2 चैप्टर नंबर 8. लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्केन्स के ऊपर बात ख़त्म की थी. अल्केन्स को हम क्या इनकी ऑक्सीडेशन देखी थी हम लोगों ने, दो तीन किस्म की ऑक्सीडेशन थी, कैटालिटिक थी, कंबशन थी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, और फिर फाइनली हम लोगों ने नाइट्रेशन डिस्कस की थी अल्केन्स की. आज के लेक्चर में हम अल्केन्स की फाइनली एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, हेलोजिनेशन. ठीक है, हेलोजिनेशन सिंपली हम कहते हैं हेलोजन के ऐड करने को. ठीक है, हेलोजन एडिशन या सब्स्टिट्यूशन मुझे कहना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक सी 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 कहीं पे भी आपके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें बाकी सारे हाइड्रोजन इसके आगे पीछे लगे हुए होते हैं. ठीक है, आप किसी एक हाइड्रोजन की लोकेशन से, वहाँ से हाइड्रोजन अगर हटा दो और वहाँ पे करस्पॉन्डिंगली आपकी हेलाइड आइन लगा दो, ठीक है, एक्स, वेयर एक्स कैन बी आयोडीन, फ्लोराइड या ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इन चारों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन, यानी इन सिंपल वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी एक हाइड्रोकार्बन में इन पर्टिकुलर हेलोजन ग्रुप की. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन. इसके बाद सेकेंडली आज जो आपको मैं बात बताऊंगा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि किस हेलोजन को ऐड करना आसान होता है और किस को ऐड करना मुश्किल होता है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर. तो इससे पहले भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर, गालिबन चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर, जिसमें आप लोगों ने हेलोजेंस को पढ़ा था कि फ्लोरीन जो होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है. ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम फिर आपके पास क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी आपके पास आयोडीन की होती है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास ये है. सबसे पहले हम इन चारों के सेपरेटली देखते हैं कि रिएक्शंस किस तरह प्रोसीड होते हैं. ठीक है, हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे. हम लोग बात स्टार्ट करेंगे सिंपली फ्लोरीन से. फ्लोरीन का सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, वायलेंट रिएक्शन होता है. CH4 लेट से आपने मीथेन लिया और इसके अंदर आपने फ्लोरीन ऐड किया, तो आप विदाउट एनी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की भी आपको ज़रूरत नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, नो सनलाइट, नो हीट. ठीक है, विद नो लाइट एंड हीट आपका रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड कर जाता है. ठीक है, और आपके पास कार्बन प्रोड्यूस हो जाता है, साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और एक आपको एक्सप्लोजन फील होता है. ठीक है, और एक्सप्लोजन इस वजह से बिकॉज फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, ये तो था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का. और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो कौन सा है आपके पास? मीथेन. ठीक है, मीथेन कह रहा हूँ, आयोडीन. आयोडीन के साथ अगर आपका मीथेन का रिएक्शन हो तो आपके पास ये मिथाइल आयोडाइड बन जाता है. ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, और साथ में आपके पास आयोडिक एसिड या हाइड्रो आयोडिक एसिड ये बन जाता है. ठीक है, एच आई. अब ये जो आपका एच आई है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे. ठीक है, तो ये बेसिकली एच आई क्या करता है कि ये दोबारा सी एच आई थ्री आई को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, और रिड्यूस करने का मतलब यानी उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन जब सी एच थ्री आई के अंदर दोबारा ऐड कर देगा तो वो फिर से सी एच फोर बन जाएगा. तो बेसिकली इस वजह से हाइड्रो आयोडिक एसिड के बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से होता ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो ही नहीं पाता और पीछे की तरफ फिर से वापस आ जाता है. ठीक है, यानी आप सी एच थ्री आई तक पहुंच ही नहीं पाते. तो एच आई जो है इसके अंदर, इसको ख़त्म करने के लिए फिर एक मैकेनिज्म होता है. हम क्या करते हैं कि हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं. ठीक है, ताकि एन ओ टू, आयोडीन और वाटर प्रोड्यूस कर दे, और एच आई की जो कंसनट्रेशन है वो रिएक्शन के अंदर से कम होने लग जाए, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे. ठीक है, और दूसरा हम ये भी करते हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं और इसके साथ हम एच आई को रिएक्ट कराते हैं. मर्क्यूरिक आयोडाइड बना देता है और साथ में वाटर बना देता है. अगेन ये जो दोनों हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है और आपको आयोडाइड्स मिल जाते हैं करस्पॉन्डिंगली. ठीक है,
ये तो था कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन और बहुत ही स्लो रिएक्शन वालों के साथ क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो दरमियान के हैं, जिनमें दरमियान में आपके पास कौन कौन से रह गए, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके साथ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लोरीन के साथ आप देखो, क्लोरीन के अंदर जब आप मीथेन को डालते हो ना, तो वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ये जो ऊपर भी जो रिएक्शन लिखा हुआ था ना CH4 का आयोडीन के साथ, ये बहुत ही स्लो होता है और ये हीट के साथ आपका प्रोसीड करता है, ठीक है। लेकिन CH4 और Cl2 का भी जो रिएक्शन है, ये भी आपका डार्क में बिल्कुल प्रोसीड नहीं करता। और अगर बहुत ही ब्राइट सनलाइट के अंदर आप करो, सनलाइट के अंदर ये रिएक्शन इस वजह से हो जाता है बिकॉज लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरीन को ब्रेक करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर आप ब्राइट सनलाइट ना यूज करो, बल्कि डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर रखो, डिफ्यूज्ड सनलाइट जो होती है बेसिकली किसको कहते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये लेस इंटेंस लाइट होती है, लेस इंटेंस लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जब एक तो होता है ना, धूप डायरेक्ट पड़ रही होती है आपकी आंखों के ऊपर, उसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट, ठीक है। और कभी हम घर के अंदर बैठे हुए होते हैं तो कमरे में वैसे भी तो धूप आ रही होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं आ रही होती, वो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही होती है वो वॉल के साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद, और मतलब कमरा फिर भी रोशनी तो होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लाइट। तो डिफ्यूज लाइट के अंदर अगर आप रिएक्शन कराओ, तो फिर ये स्लो रिएक्शन चलता है और ये स्टेप्स में चलता है, तो आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन इस्तेमाल करो, ठीक है, और डिफ्यूज लाइट आप यूज़ करो, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन के अंदर ही होता है। और एक्सेस अमाउंट में अगर आपके पास क्लोरीन है, तो फिर आपके पास एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है, जो कि आज का बेसिक हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और साथ में आपके पास लाइट भी होनी चाहिए, डिफ्यूज लाइट, ठीक है। या यहाँ पे आप एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो, हीट एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो, अगर लाइट आपके पास नहीं है तो आप हीट एनर्जी से भी ये रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। ये तो था थोड़ा बहुत क्लोरीनेशन के बारे में। अब हम आ जाते हैं ब्रोमिनेशन के ऊपर। ब्रोमिनेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। अगर आप इथेन लेट से लेते हो, ठीक है, और उसमें ब्रोमीन ऐड करते हो, तो वैसे सिर्फ लाइट से काम नहीं चलेगा, आपको टेम्परेचर भी रेज करना पड़ता है। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके जाते हो, और 127 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके आपके पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन अगर राइट कॉर्नर पे आके लगे या लेफ्ट पे आके लगे, बात एक ही है, वो कॉर्नर पे आके लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर आप प्रोपेन से बात चलाओ, अगेन यही वाला टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, लाइट भी देनी पड़ेगी, और ब्रोमीन बीच में अगर आप ऐड करो, तो आपके पास दो किस्म के ब्रोमाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोमाइड, और इस दूसरे वाले को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोमाइड, ठीक है। ये हम क्यों बोलते हैं यूं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स से सी 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 सी, लेट्स से ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बेसिकली एक मिथाइल ब्यूटेन है आपके पास, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तीन, और कितने कार्बन बॉन्ड्स होंगे, कार्बन का एक ही बॉन्ड है इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, सॉरी, और ये वाला जो कार्बन एटम है आपके पास, इसके कार्बन के साथ तीन बॉन्ड्स हैं और हाइड्रोजन के साथ सिंपली एक बॉन्ड होगा, ठीक है। अगेन इस वाले के साथ आपके तीन बॉन्ड्स हाइड्रोजन के होंगे और एक कार्बन के साथ, और ये वाला जो है अगेन ये भी एक कार्बन के साथ और तीन हाइड्रोजन के साथ। कोई ऐसा कार्बन एटम जिसके सिंगल कार्बन बॉन्ड हो जिसके साथ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। कोई ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ दो मजीद कार्बन बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड, डबल का मतलब यहां पे ये नहीं है कि डबल बॉन्ड वो एज इन इथीन के अंदर जो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई शुड से डबल नहीं कहना चाहिए इसको, मैं कह देता हूं टू बॉन्ड्स, टू सिंगल बॉन्ड्स अगर कार्बन के साथ हैं मजीद फर्दर, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और अगर थ्री बॉन्ड्स विद कार्बन अगर आपके पास हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो अब आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस वाले ऊपर वाले कंपाउंड में कौन से प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी और कौन से टर्शरी है। ये वाला जो कार्बन है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, बिकॉज ये सिंपली एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है।
ये जो दूसरे नंबर पे कार्बन है ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ये दो कार्बन बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है ये आपका टर्शरी कार्बन है, बिकॉज ये तीन कार्बन बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। अब लेट से इसी वाले कंपाउंड ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर अगर आप हेलोजन बीच में ऐड कर देते हो, ब्रोमीन ऐड कर देते हो, तो अब ब्रोमीन की मर्जी है ना, वो जहां मर्जी जाके लगे, वो हो सकता है किसी प्राइमरी लोकेशन पे जाके लग जाए, हो सकता है किसी, मतलब प्राइमरी लोकेशन का मतलब ये है कि अगर क्लोरीन आके लेट से यहां पे लग गया ब्रोमीन, ठीक है। तो अब ये वाला जो कार्बन था ये आपका प्राइमरी लोकेशन थी, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ये आपकी सेकेंडरी थी, ठीक है। और ये वाला जो है आपकी टर्शरी, तो किसी भी लोकेशन पे वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। यहां पे अगर ब्रोमीन लग जाएगा तो फिर ये टर्शरी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके पास ये देखो नीचे मुख्तलिफ ब्रोमाइड्स बने हुए हैं। अगर आप प्रोपेन के अंदर डालते हो तो एक चांस तो ये है ना कि वो राइट साइड पे कॉर्नर पे आके लग जाए, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बिल्कुल दरमियान में आके लग जाए। अब इस कार्बन एटम पे अगर आप गौर करो, इस कार्बन एटम पे, इसके लेफ्ट पे भी एक कार्बन है, राइट पे भी एक कार्बन है, यानी ये दो कार्बन बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी ब्रोमाइड फिर ये आपके पास बन गया, ठीक है। थर्ड केस में आप देखो एन ब्यूटेन है आपके पास, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, ब्यूटेन चूंकि आइसोमर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगेन इसमें आप यही लाइट दोगे, 127 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेस करो, ब्रोमिनेशन करोगे आप, तो आपके पास दो किस्म के ब्रोमाइड्स बनेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब अगर ये इस लोकेशन पे आके लगे, इस वाली लोकेशन पे, तो आपके पास ये चीज बनेगी। और अगर इससे लेफ्ट वाले पे भी आके लगे तो वो बनेगी यही चीज, रीजन बीइंग कि अगर आप उसको घुमा के देखो इसी वाले, ये जो पूरा बना हुआ है इस, आप इमेजिन करो इसी को आप पेज के पिछली साइड से अगर देख रहे होते तो ये इस लोकेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली मिड में लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी आपके पास ब्रोमाइड है। तो सेकेंडरी ब्रोमाइड 98% आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 97% आपके पास सेकेंडरी ब्रोमाइड था ऊपर वाले केस में, इस केस में 98% सेकेंडरी ब्रोमाइड है। अगेन नीचे वाले केस में जो थर्ड केस है इसमें आप देखो आइसोब्यूटेन के अंदर आपने डाला है, अब वो पहले से ही आइसोमर है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक टर्शरी लोकेशन भी है, ये वाली लोकेशन, ठीक है। इसके लेफ्ट पे भी कार्बन है, राइट पे भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका एक मीथेन जाके लग गया, एक ब्रोमाइड आके लग गया बिल्कुल एज के ऊपर, ठीक है, यानी ये आपका प्राइमरी ब्रोमाइड हो गया। और ये वाला जो आपका ब्रोमीन आके लग गया ये आपका टर्शरी लोकेशन पे आके लग गया, ठीक है। और आप देखो कि टर्शरी जो लोकेशन पे लगे वो 99% प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सारा का सारा ये टर्शरी ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपकी टर्शरी जो है इसकी प्रायोरिटी होती है सेकेंडरी के ऊपर, सेकेंडरी की होती है प्राइमरी के ऊपर, और प्राइमरी की होती है सिंपल मिथेन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है, यानी अगर किसी ब्रोमीन ने आके जोड़ना है तो उसकी मर्जी होगी कि मैं टर्शरी पे जाके लगूं, ठीक है। और अगर टर्शरी प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो सेकेंडरी पे जाएगा, नहीं तो फिर वो प्राइमरी पे जाएगा, और सबसे लीस्ट प्राइमरी ही आपके पास, बेसिकली मीथेन के अंदर भी प्राइमरी ही बॉन्ड्स होते हैं सारे। बेसिकली मीथेन में आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होता ही नहीं है, इसलिए मैंने मीथेन को एक सेपरेट यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ब्रोमिनेशन हो गई। अब हम आ जाते हैं क्लोरीनेशन के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास क्लोरीनेशन है मुख्तलिफ, या आपने इथेन के अंदर क्लोरीन डाला तो सिंपली इथेन में राइट पे आके लगे या लेफ्ट पे आके लगे, एक ही इथेन प्रोड्यूस, इथाइल क्लोराइड आपके पास बन गया, ठीक है। अगर आप प्रोपेन के अंदर डालते हो तो दो चांसेस हैं, एक तो वो दरमियान पे कहीं पे लग सकता है, ठीक है, या वो एजिस पे लग सकता है। एजिस पे 45%, दरमियान में 35%। इसका मतलब है कि वो जो हमने टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाली जो बात की थी, सेकेंडरी प्राइमरी वाली बात, वो ब्रोमिनेशन पे फॉलो होती है, क्लोरीनेशन में इस तरीके से फॉलो नहीं होती, ठीक है। ये दोनों चांसेस हैं कि ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप एन ब्यूटेन लेते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मजे की चीज़ आप ये देखो, ये जो टेम्परेचर है ना ये कितना है, 25 25, तो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसका मतलब है आपने यहाँ पे हीट नहीं करना, सिंपली आपने थोड़ी सी लाइट देनी है और वो भी डिफ्यूज लाइट, और ये रिएक्शन खुद ब खुद ही चल पड़ेगा। आपने जो लास्ट रिएक्शन देखा था ना उसके अंदर आपने हीट किया था तब वो रिएक्शन आगे चला था, इसमें आपने हीट किया था, यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इतने आराम से नहीं होता, क्लोरीन के साथ इजीली हो जाता है, और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर देखो आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा या
आपके पास सिंपली प्राइमरी, प्राइमरी हम नॉर्मली लिखते नहीं है, सेकेंडरी या टर्शरी हो तो हम उसको मेंशन करते हैं कि ये सेकेंडरी है या टर्शरी है, प्राइमरी को हम मेंशन नहीं करते। इसके बाद अब हम बेसिकली मुख्तलिफ स्टेप्स देखते हैं कि क्लोरीनेशन जब होती है तो वो किन स्टेप्स में फॉलो होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास Cl2 है, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रीन, राइट? क्लोरीन एटम का कलर ग्रीन नहीं होता, ये नहीं समझना, एटम का कोई कलर नहीं होता, क्लोरीन यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया गया, ठीक है? अब जब क्लोरीन एटम के ऊपर आके सनलाइट फॉल करती है ना, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट आके फॉल करती है, तो ये टूट जाता है यहाँ से। ये जब टूटता है तो ये जो डॉट यहाँ पे छोटा सा आपको नजर आ रहा है ना, ये डॉट, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो आप यूँ कह लो कि ये Cl- + Cl- में चेंज हो गया, ठीक है? ये दो क्लोरीन या सीएल डॉट से इसको आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है? तो ये सीएल डॉट की फॉर्म में आपके पास आ गया, और ये दोनों आपस में अगर बॉन्ड हो जाए ना, शेयर हो जाए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सीएल डॉट, सॉरी एक चीज़ मैं आपको गलत बोल दी, ये Cl- की फॉर्म में इसको नहीं कहा जा सकता। Cl- का तो मतलब ये होगा ना, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बेसिकली दोनों ने एक एक एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ, ये बेसिकली एटॉमिक फॉर्म में है क्लोरीन, ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है? इसे बी रिप्रेजेंटेड बाय सीएल डॉट, ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर एंड पे आपको शो हो रहा है ना, ये इसका 17th इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, जो अभी बॉन्ड करना चाहता है किसी के पास, किसी के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है? तो सनलाइट की वजह से क्या हुआ, ये दोनों स्प्लिट हो गए। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये जाके अटैक करता है किस चीज़ को, मीथेन को। अब हम मीथेन का केस देख रहे हैं, इस वजह से मीथेन को मैं बात करूं, वरना ये किसी भी एल्केन के ऊपर बात हो सकती है, ठीक है? किसी भी एल्केन को ये अटैक करेगा, और होगा क्या कि उस एल्केन से ना एक हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ लेगा, और ये आपके पास हाइड्रोजन आपको व्हाइट कलर से नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्रे टाइप कलर है, ठीक है? तो ये आपके पास CLH या HCl आपके पास बन गया, ठीक है? और ये आपके पास क्या बन गया, कार्बन, ये आपको डार्क ब्लैक कलर से कार्बन नजर आ रहा है, CH3, ठीक है, और साथ इसके डॉट, ठीक है, CH3 डॉट आपके पास बन गया, ठीक है? और ये जो CH3 डॉट है, ये अगेन एक Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन तो साथ आपके पास एक्सेस में है, एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और वो क्लोरीन क्या करेगा, वो क्लोरीन एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, और साथ अगेन आपके पास एक Cl डॉट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? ये Cl डॉट क्या करेगा, अगेन इसी के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, जैसे ये दोनों आपस में इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट किए थे, ठीक है? तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन होने लग जाएगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस दफा क्या बनेगा फिर आपके पास, इस दफा आपके पास बन जाएगा CH3 डॉट, ठीक है, CH3 डॉट हो गए, CH2 डॉट होगा, CH2 डॉट होगा इस दफा, बिकॉज वो जो क्लोरीन इसके साथ अटैक करेगा ना इसको, वो एक एच साथ से हटा के ले जाएगा, तो CH2 डॉट, ठीक है, CH2 डॉट Cl, बिकॉज एक क्लोरीन तो इसके साथ ऐड हो चुका हुआ है ना पहले से, ये बेसिकली CH3 Cl था, तो एक डॉट एच हट जाएगा, तो CH2 डॉट Cl बच गया, ठीक है? और साथ में आपके पास HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? और अगेन ये CH2 डॉट Cl जो है इसको अटैक करेगा एक और Cl2, और ये बन जाएगा आपके पास CH Cl2, CH2 Cl2 बेसिकली, और साथ में आपके पास अगेन एक क्लोरीन, और फिर दोबारा इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, एंड ये रिएक्शन इसी तरह आपस में चलता रहेगा। ये जो दरमियान का पूरा स्टेप है इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन, बिकॉज ये रिएक्शन प्रोपगेट होता जा रहा है, ठीक है? और फाइनली आपके पास फिर होती है टर्मिनेशन, कि रिएक्शन खत्म कर कैसे होगा, ये तो चलता ही रहेगा, ये जो दो क्लोरीन थे ये वापस मिलकर Cl2 बन जाएंगे, ठीक है? ये जो दोनों थे, ये तो आपके प्रोपगेशन वाले स्टेप में भी ये आ रहा था, वैसे अगर यहीं पर रिएक्शन रुक जाता तो ये यूं करके रुक जाता, ठीक है? और ये फाइनली ये जो स्टेप है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है, इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन आपको याद होगा, इससे पहले भी एक लेक्चर के अंदर ये टर्म मैंने यूज की थी। ये दो आपस में मिलके, दोनों यू CH3 CH3 मिलके ईथेन बना देंगे, ठीक है? ईथेन बनने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, ठीक है? इसलिए आपकी बुक में इन्होंने स्पेसिफिकली बताया ही नहीं हुआ कि ईथेन बनेगा भी या नहीं, ठीक है? ईथेन उस सूरत में बनेगा अगर रिएक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाए, लेकिन होता ये है कि नॉर्मली रिएक्शन टर्मिनेट होता ही नहीं है, ये जब तक ये चलता रहता है, ठीक है, ये दोबारा रिएक्ट कर जाएगा, प्रोपोगेट होगा, एंड ये उस वक्त तक बात चलती रहेगी जब तक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बन जाता, ठीक है? तो बेसिकली जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं कि CH3Cl + Cl डॉट, ठीक है,
ये सबसे पहला स्टेप होगा कि सी एच थ्री सी एल तो आपका डायरेक्ट बन गया था ना प्रोपोगेशन के पहले स्टेप में ही। मैं बेसिकली आपको एक तरह से रिवाइज कराने लगा कि सी एच फोर के साथ सी एल डॉट ने रिएक्शन किया था और आपके पास सी एच थ्री डॉट और सी एल टू बन गया था, ठीक है। और फिर आपके पास सी एच थ्री डॉट के ऊपर सी एल टू ने अटैक किया था और सी एच थ्री सी एल बन गया था, ठीक है। सी एच थ्री सी एल तक तो बात आपको क्लियर है। अब सी एच थ्री सी एल से आगे दोबारा कहानी कैसे चलेगी? ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को अटैक करेगा और उसको अपने साथ ले जाएगा और एच सी एल बन जाएगा, ठीक है। और साथ एच सी एल के साथ दूसरी चीज़ आपके पास क्या बनेगी? अब एक एच यहाँ से हट गया ना, तो आपके पास बच जाएगा सी एच टू सी एल और एक बॉन्ड कम है इस वजह से यहाँ पे डॉट। अब क्या होगा, ये जो सी एच टू सी एल है इसके ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा। देखिए एक स्टेप में एटम अटैक करता है, एक में क्लोरीन अटैक करता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप इसको याद भी कर सकते हो। तो सी एच अब अगेन क्या करेगा, ये क्लोरीन एक इसके साथ अटैच, ये दो क्लोरीन है ना, तो एक इसके साथ खुद अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एच टू सी एल टू प्लस एच सी एल। एच सी एल बनेगा इस केस में? नो, एच सी एल नहीं बनेगा, सी एल डॉट बन जाएगा। बेसिकली इस क्लोरीन ने स्प्लिट होकर एक अपना पार्ट उसको दे दिया और एक यहाँ पे सेपरेट में आ गया, ठीक है। अगेन ये जो दोनों हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सी एच टू सी एल टू प्लस सी एल डॉट, और ये फिर क्या बना देंगे आपके पास, ये आपके पास बना देंगे एक तो एच सी एल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल टू सॉरी सी एच सी एल टू और साथ में सी के ऊपर डॉट, और फिर क्या होगा कि अगले स्टेप में इसको क्लोरीन अटैक कर देगा सी एल टू और एक क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सी एच सी एल थ्री प्लस सी एल डॉट। अगेन फाइनल स्टेप में आपके पास ये होगा, ये दोबारा यूं ही दोनों आपस में मिलेंगे, जैसे ऊपर दो दफ़ा ये हो चुका है ना यही वाला काम, अब तीसरी दफ़ा दोबारा होगा, ठीक है। सी एच सी एल थ्री प्लस सी एल डॉट, अब आप सोचो आगे क्या होना चाहिए, आगे ये होगा कि ये क्लोरीन को एक एच की ज़रूरत है, तो यहाँ से एक एच हटा देगा तो ये सी डॉट सी एल थ्री बच जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास एच सी एल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अब सी डॉट सी एल थ्री है इसको अब सी एल टू अटैक करेगा और एक क्लोरीन उसके साथ अटैच कर देगा, सी सी एल फोर बन जाएगा और साथ में आपके पास एक क्लोरीन यूं बच गया, ठीक है। ये जो हर स्टेप में एक क्लोरीन यूं बच रहा है ना, ये अगले स्टेप में यूटिलाइज होता जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक चेन रिएक्शन होने लग गए, ठीक है। ये जो सबसे एंड प्रोडक्ट है ये है हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और ये जो बीच में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, ये जो सी एच सी एल टू सी एच, ये जो यहाँ पे आपके पास सी एच सी एल थ्री और सी एच टू सी एल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में बाउंड, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, बिकॉज इसमें दो क्लोरीन्स लगे हुए हैं और ये बेसिकली मीथेन का डेरिवेटिव है, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये जो बीच में आपके पास ये जो बना था ना, ये सी एच सी एल थ्री, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की क्या सिग्निफिकेंस है, क्लोरोफॉर्म ना जो बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं ना, आपको नम करने के लिए, जब आप वो कभी अपने ऑपरेशन वगैरह अगर करवाया हो ना तो वो एक चीज़ सुंघाते हैं आपको, ठीक है, वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म होता है, उससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो समझ लो कि ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन तो नहीं कहना चाहिए, आपका वो नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो बेसिकली दिस इज क्लोरोफॉर्म जो कि उस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सी एच सी एल थ्री। सो दैट्स इट अबाउट क्लोरिनेशन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हेलोजिनेशन कहते हैं किस चीज़ को, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, और हेलोजन ग्रुप ऐड करने के लिए फिर मुख्तलिफ आपके पास हेलोजन ग्रुप्स हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास फ्लोरीन है, सबसे कम रिएक्टिव आपके पास आयोडीन है। हम लोगों ने फिर सेपरेटली मुख्तलिफ देखे थे, सबसे पहले हम लोगों ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देखा, फिर आयोडीन के साथ, और इस आयोडीन के रिएक्शन को कैसे फिजिबल बनाया जाता है हमने ये देखा था, ठीक है। बीच में हम नाइट्रिक एसिड या हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल देते हैं ताकि हाइड्रो एच आई जो है आपके पास एसिड है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। फिर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हम लोगों ने सेपरेटली बहुत डिटेल में बात कर ली हुई है। फिर बीच में हमारे पास एक ब्रोमिनेशन आई थी, ब्रोमिनेशन के मैंने आपको बता दिए थे, वो ब्रोमिनेशन में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी जो लोकेशंस होती हैं कार्बन पे उस पर अटैच होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है,
ठीक है, सो डेट्स इट अबाउट हेलोजिनेशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्केन्स के ऊपर बात ख़त्म कर चुके हैं, अब हम अल्कीन्स स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है।